Hello students, welcome back. Our today's chapter is Laws of Inheritance, Laws and Principles of Inheritance. In this chapter, we had already dealt with some important terms that we are going to talk about in this chapter. उसके बाद हमने मेंडल के बारे में बात कर ली थी. मेंडल इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. देन मैंने मेंडल ने किस प्लांट के ऊपर काम किया था उसके बारे में हमने बात की थी. उस प्लांट में कौन से कैरेक्टर्स लिए थे इसके बारे में बात की थी. विच वन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, विच वन इज द रिसेसिव कैरेक्टर, उसके बारे में बात की थी. Now we are going to talk about the laws of inheritance, and in this laws of inheritance, let us talk about the inheritance of one gene. See, a monohybrid cross is a cross that involves two plants differing in one character pair. एक ऐसा प्लांट जो डिफर करता है एक कैरेक्टर पेयर में. सपोज करो कि अगर मैं बात कर रही हूं, suppose if I'm talking about only one character, that is the tall character, or I'm talking about the one character that is round character, or I'm talking about the one character that is the flower color or flower position, ek hi character le rahi hu, एक ही कैरेक्टर के पास और कुछ भी नहीं ले रही हूं. सो दिस इज द थिंग. यस, ओके. सो उसमें बेसिकली क्या था, उसमें बेसिकली ये था कि अ क्रॉस इन्वॉल्विंग टू प्लांट्स दैट डिफर इन वन कैरेक्टर पेयर, एक टॉल है दूसरा ड्वार्फ है, बाकी किसी कैरेक्टरिस्टिक को हमने नहीं लेना, हमने हाइट वाला कैरेक्टर लेना है सिर्फ और कोई कैरेक्टर नहीं लेना, ठीक है. या फिर हम कलर ऑफ द सीड वाला कैरेक्टरिस्टिक लेंगे और उसके साथ हम कोई और कैरेक्टरिस्टिक नहीं ले रहे हैं, ठीक है. ओनली वन कैरेक्टर कैरिंग द टू एलील्स, एंड दैट एलील्स मस्ट बी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एंड दैट मस्ट बी प्योर ब्रीड्स. प्योर ब्रीड्स का मतलब ये जो टॉल वाला है दिस शुड बी द होमोजाइगस टॉल, एंड ये जो शॉर्ट हाइट वाला है ड्वार्फ हाइट वाला That should be the homo. Of course, अगर short height वाला तो हमेशा homozygous ही होता है, ठीक है. अब देखो, Mendel crossed tall and dwarf pea plants to study the inheritance of one gene. एक gene की inheritance को पढ़ने के लिए Mendel ने क्या किया, Mendel ने tall and dwarf plant का cross किया, and उसके through उसने observe किया कि ये जो एक जीन है वो कैसे कैसे इनहेरिट हो रहा है. मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. यस, तो उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या होता है ये हम देखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इन द क्रॉस, देखो ये था हमारा पेरेंट जो टॉल प्लांट है, एंड ये है हमारा दूसरा पेरेंट जो ड्वार्फ प्लांट है. इनके गैमेट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे. गैमेट्स के अंदर सिर्फ एक अलील रहेगा, टॉल वाले में टॉल वाला रहेगा, ड्वार्फ वाले में ड्वार्फ वाला रहेगा. क्यों, क्योंकि हमने प्योर ब्रीड्स लिए थे, और हर हाल में जो फर्स्ट जनरेशन होगी सभी का, सभी जितने भी फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं सभी का जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. सभी ऑर्गेनिजम्स हेटरोजाइगस टॉल होंगे. अब सपोज करो हमने हेटरोजाइगस टॉल, ये जो फर्स्ट जनरेशन में हमें दो प्लांट्स मिले हैं, हमने उनको क्रॉस करवा दिया. एफ वन जनरेशन के दो
प्लांट्स अब क्या बन गए, पेरेंट्स बन गए। अब हमने इनको क्रॉस करवा दिया, इनके गैमीट्स क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, द कैपिटल टी द स्मॉल टी एंड द कैपिटल टी द स्मॉल टी। तो क्या होएगा एफ टू जनरेशन के अंदर, दीज टू एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो बनेगा होमोजाइगस्टॉल, दो ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो होंगे हेट्रोजाइगस्टॉल, एंड थर्ड जो ऑर्गेनिज्म होगा दैट विल बी द होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ रही है। व्हाट इज हैपनिंग हियर, एफ वन जनरेशन की हमने सेल्फिंग करा दी तो उसके गैमीट्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे, एंड गैमीट्स के अंदर क्या हो जाएंगे, एक टॉल वाला जीन होगा, दूसरा स्मॉल वाला जीन होगा। जब हम इनकी क्रॉसिंग करवाएंगे तो एफ टू जनरेशन के अंदर हमें दो हेट्रोजाइगस स्टॉल प्लांट्स मिल रहे हैं, एक होमोजाइगस स्टॉल एंड एक ड्वार्फ। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्लाइड हम इनकी रेशियो देखते हैं, रेशियो क्या बन रही है। अब देखो ये हमारा क्या आया था, F2 जनरेशन, दिस इज द F2 जनरेशन, मतलब कि F1 जनरेशन को क्रॉस करवाने के बाद जो भी हमारा आया था दैट इज द F2 जनरेशन। नाउ F2 जनरेशन के अंदर हम देख रहे हैं जो इनकी फीनोटिपिक रेशियो है, फीनोटिपिक मतलब दिखने में, आउटर दिखने में, अगर चार चार टोटल ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं तो चार में से तीन क्या है, टॉल है, एक क्या है, ड्वार्फ है। दिस इज द फीनोटिपिक रेशियो। फीनोटिपिक मैंने आपको बोला था, फीनोटिपिक का मतलब क्या होता है, फीनोटिपिक मींस विजिबल कैरेक्टर। नेक्स्ट इज द जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि ये जो प्लांट है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। तो एक प्लांट हमारा है होमोजाइगस टॉल, दूसरा प्लांट है हमारा दैट इज द हेट्रोजाइगस टॉल, तीसरा प्लांट है हमारा होमोजाइगस ड्वार्फ। तो रेशियो क्या हो गई, वन फॉर द होमोजाइगस टॉल, टू फॉर द हेट्रोजाइगस टॉल, वन फॉर द होमोजाइगस ड्वार्फ। जीनोटिपिक रेशियो होगी 1:2:1। इसके बेस पे मेंडल ने हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है वो निकाल दिया। दोबारा से रिविजन करते हैं क्या कि हुआ क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस टाइप का क्रॉस होता है जिसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ काइंड ऑफ क्रॉस इन विच वी हैव taken up or considered only one character of the parents, the parents must be pure line in order to get a proper result। ठीक है, कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइट, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड एक्सेट्रा। ये तो हो गई हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब when the first generation is formed, in monohybrid cross all the offsprings are having same genotypic and phenotypic
पिपिक रेशो, दैट इज सभी का जीनोटाइप होगा टी, दैट इज जीनोटाइप इज टी एंड फीनोटाइप इज टॉल, ठीक है। नाउ यहां नेक्स्ट में मैं लिख रही हूं किसी और कलर के अंदर। नाउ व्हेन वी क्रॉस द एफ वन जनरेशन ऑफ स्प्रिंग्स विद ईच अदर, दैट इज टी टी क्रॉस टी टी, we get a phenotypic ratio of 3:1, 3 tall offspring and 1 dwarf offspring. ठीक है, उनमें से अब जीनोटिपिक रेशियो इज वन एस टू टू इज टू वन, जीनोटिपिक रेशियो इज वन एस टू टू इज टू वन, दैट इज वन होमोजाइगस टॉल, टू हेट्रोजाइगस टॉल, एंड वन होमोजाइगस ड्वार्फ। दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, what happens in it, what is a monohybrid cross, what happens in it। ab aapko iske sath iski diagram bhi draw karni hai, that is all about the explanation। isko aap pause karke likh sakte ho, theek hai। ab diagram ke andar hum kya draw karenge, let us see। students diagram ke andar aapko डायग्राम के अंदर आपको ये वाली डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। बोथ इन द केसेस ऑफ एफ वन जनरेशन, भी एफ वन जनरेशन में भी आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओगे। ये तो एफ टू जनरेशन की डायग्राम है। जब हम एफ वन को क्रॉस करते हैं तो ये वो वाली डायग्राम है। इन द केस ऑफ एफ वन जनरेशन कैसे फॉर्म हो रही है, आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ करोगे। ये वाली, ये सारी डायग्राम, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने करनी है एंड फिर बाद में ये वाली भी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन नहीं की तो कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। एक या दो नंबर मिलेंगे, पांच में से उसका कोई कुछ भी फायदा नहीं। अब देखो कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में से मेंडल ने क्या कंक्लूड किया। मेंडल मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशंस फॉर द अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। पहले उसने क्या किया, टॉल कैरेक्टर लेके देखा, सिर्फ टॉल कैरेक्टर। उसके बाद उसने फ्लावर का कलर लेके देखा, फिर सीड का कलर लेके देखा, फिर सीड का शेप लेके देखा, पॉड कलर लेके देखा, पॉड शेप लेके देखा और फ्लावर पोजिशन लेके देखी। तो उसने देखा कि सेम रेशियो ही आ रही है। एफ वन में तो सभी क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। F2 में क्या आ रहा है, F2 में वही रेशियो आ रही है 3:1 एंड 1:2:1।
ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप डिवाइड कर लोगे तो रेशियोज क्या आएंगी, वैसी आएंगी, 3:1 एंड 1:2:1. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसने क्या प्रपोज किया कि सम फैक्टर्स वर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. हमारे पास कई फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स मतलब कई जीन्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स को मिलते हैं. उन फैक्टर्स को अब क्या नाम दे दिया गया, जीन्स का नाम दे दिया गया. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं थोड़ी सी और कंक्लूजन्स रिगार्डिंग दिस मेंडल्स रूल्स एंड डिस्कशंस. आई होप यू गॉट इट. आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लो, क्रॉस बना के देख लो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का, क्वेश्चन लिख के देख लो. 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड एमसीक्यूज सॉल्व करके देख लो इसके बेस पे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना आना ही पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडे. हैव अ नाइस डे.